अमेरिकी बैंक मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान पर इस वक्त 1998 जैसा आलमी दबाव है। ऐसे हालात एटमी धमाकों के बाद थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को IMF और आलमी इदारों से कोई मदद नहीं मिल रही। इसकी वजह पाकिस्तानी हुकूमत की नाअहली नहीं बल्कि अमेरिका और चीन की जंग है, जिसमें पाकिस्तान फंस चुका है। इस जंग ने पूरी दुनिया पर असरात मुरतब किए हैं, लेकिन क्या ये जंग कभी कोई जीत सकेगा और इसके पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात निकलेंगे, यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। पाकिस्तानी मईशत बेहतर होगी तो ही तमाम काम चलेंगे क्रिप्टो के समेत, इस वजह से ये मौजू इंतहाई अहम है। तो मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा, सो लेट्स डाइव इन। मैं खाली हवाई बातों पर तजिया करने वालों पर यकीन नहीं रखता, इसलिए जब तक मेरे पास कोई ठोस मालूमात ना हो तो मैं इसे आपके साथ शेयर नहीं करता। मॉर्गन स्टैनली बैंक की इमर्जिंग मार्केट रिपोर्ट इस बार इंतहाई अहम मौजू पर है। इसमें यह देखा गया है कि अमेरिका और चीन की इकोनॉमीज एक दूसरे से कैसे अलग हो सकती हैं और दोनों ममालक की मौजूदा कोल्ड वॉर के दुनिया पर क्या असरात हो रहे हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और चीन 5 साल से तजारती जंग कर रहे हैं। वाशिंगटन में अमेरिकी सियासतदानों की कोशिश है कि वो इस जंग को एक नई सतह पर ले जाएं। वो लोग चाहते हैं कि दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशतों को मुआशी लिहाज से एक दूसरे से गैर मुंसलिक कर दिया जाए, यानी ये दोनों डीकपल हो जाएं। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक ऐसा करने का कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाजे नहीं है कि मुकम्मल डीप कपलिंग कैसे की जा सकती है। अभी तक सिर्फ अमेरिका यूरोप के ऊपर ये जोर दे रहा है कि वो अपनी कॉरपोरेशंस को चीन से निकाल लें, यूरोपीय कंपनियां अपने तमाम ऑपरेशंस चीन में बंद कर दें। इसकी बजाय अब वो अपने ऑपरेशंस हिंदुस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मैक्सिको में ले जाए, ताकि एक नई सप्लाई चेन बन सके। लेकिन इस अमल के लिए अरबों डॉलर दरकार है, क्योंकि इन मुमालक में चीन जैसी लेबर और वसाइल मौजूद नहीं है। रिपोर्ट में अमरीकी सियासतदानों की इस पॉलिसी पर शदीद तनकीद की गई है, क्योंकि इनका कहना है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां दूसरे मुमालक में मुंतकिल हो भी जाती हैं तब भी उन्हें अपने बुनियादी अज्जा चीन से ही मंगवाना पड़ेंगे। मुकम्मल डिकपलिंग एक ख्वाब है जिसको पूरा करना इंतहाई पेचीदा और मुश्किल और महंगा अमल है। ये मुमकिन ही नहीं कि निजी कंपनियां इतना बड़ा फाइनेंशियल बोझ उठा सकें। अगर हुकूमत भी इसमें तावन करे तब भी ये मुमकिन दिखाई नहीं देता। मॉर्गन स्टैनली की आलमी डायरेक्टर रिसर्च कैटी हेबर्टी इस रिपोर्ट में बताती हैं कि चीन से बाहर EV बैटरी सप्लाई चेन की मुकम्मल रिवायरिंग अब नामुमकिन हो चुकी है। अगर यूरोप और अमेरिका आज इसके ऊपर काम शुरू करें तो मौजूदा सेटअप को चीन से बाहर सेटअप करने के लिए 2040 तक का अरसा लगेगा और इसके ऊपर $7 ट्रिलियन की सरमायाकारी की जरूरत होगी। और जब यह काम मुकम्मल होगा तो EV बैटरी की रिवायरिंग या टेक्नोलॉजी कहीं से कहीं पहुंच चुकी होगी और तब तक ये पैसा जाया हो चुका होगा। इस वजह से अमरीकी सियासतदानों को यह हकीकत तस्लीम करना होगी कि अमरीकी मईशत का चीन से मुकम्मल तौर पर अलग होना ना तो मुमकिन है और ना ही अब ये ऑप्शन मौजूद है। सप्लाई चेन को तब्दील करने में कई साल लगेंगे और इसके बावजूद अमेरिका बहुत से शोबों में चीन पर मुनहसर रहेगा। रिपोर्ट बताती है कि टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी के लिए अब हिकमत अमली की तब्दीली की जरूरत है। अब हिकमत अमली को तब्दील करना जरूरी है ताकि पोलराइजेशन को नेविगेट किया जा सके। आप दुनिया की टेक्नोलॉजी कंपनियों के चार्ट देखें तो आपको पता लगेगा कि ये सब आपस में मुंसलिक हैं। चीन और अमेरिका की मुकम्मल डिकपलिंग सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब ताइवान पर जंग हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आलमी सप्लाई चेन्स रातों रात क्रैश हो जाएंगी, जिसके बाद मजबूरी में तमाम कंपनियों को एक रीसेट करना होगा। फिलहाल अमेरिका अपनी मईशत को चीन से अलग करने या मुल्क की तरक्की को महदूद करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि अमरीकी हुकूमत ये जानती है कि ये
मुमकिन नहीं है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा बड़ी है। अमरीकी और यूरोपीय कंपनियों का भी यही ख्याल है कि चीन में मुख्तलिफ इक्तसादी पॉलिसियों के साथ मसाइल का सामना रहता है, लेकिन ये कंपनियां हमेशा अपने असल ममालिक के इक्तसादी मफादात का दिफा करती हैं। लेकिन दोनों मईशतों को मुकम्मल तौर पर अलग करने की कोशिश में ये कंपनियां साथ नहीं देंगी, क्योंकि ये उनके मफादात के खिलाफ है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बरसों में अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात तेजी से खराब हुए हैं। इस वक्त मुकम्मल तौर पर टूट फूट का इम्कान नहीं है। अगर अमेरिका और यूरोप नई सप्लाई चेन को बहाल करने में कामयाब हो भी जाएं, तो इसमें कई दहाइयां और खरबों डॉलर लग जाएंगे। लेकिन इस जंग में अब तक कई गरीब ममालिक तबाह हो रहे हैं। रिपोर्ट में पाकिस्तान का भी जिक्र है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को 1998 के बाद सबसे ज्यादा दबाव का सामना है, क्योंकि अमेरिका IMF और FATF की वजह से पाकिस्तान के गिर्द मुआशी घेरा तंग कर रहा है और इन्हें चीन से दूर करने के लिए मुआशी मसाइल पैदा कर रहा है। इस खित्ते में ईरान, इंडिया, चीन, अफगानिस्तान अब अमेरिका के हाथ में नहीं रहे। इंडिया बाजार तो अमेरिका का पार्टनर है, लेकिन ये अपनी करेंसी में तजारत पर जोर दे रहा है। इंडिया खुद आलमी ताकत बनने की जंग में शामिल है। ऐसे में चीन और इंडिया को काबू में रखने के लिए खित्ते में उन्हें एक ऐसे मुल्क की जरूरत है जो इनका मुकम्मल साथ दे। ये काम सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। इस वजह से अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान भी इन दोनों ममालिक की झोली में चला जाए। अमेरिका की मुकम्मल कोशिश है कि पाकिस्तान को अपने काबू में रखे, लेकिन इसके लिए अमेरिका ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है जिससे दुनिया की आबादी के लिहाज से बड़े मुल्क में इंतशार फैल रहा है। इस रिपोर्ट पर नजर डालें तो पाकिस्तान के हालात को समझने के लिए एक नया नुक्ता नजर सामने आता है, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू नजर आता है। इस दौर में हमें बतौर पाकिस्तानी अपने सियासतदानों के साथ खड़े होने की जरूरत है, फिर वो इमरान खान हो या शहबाज शरीफ। अगर पाकिस्तान दहाइयों के बाद कोई अच्छा फैसला कर रहा है तो पूरी कौम को मुतहिद होना चाहिए। मैं इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देता क्योंकि लोग इसे फौरी तौर पर किसी सियासी जमात की हमायत समझ लेते हैं। मेरा मकसद आप तक मालूमात पहुंचाना था, जो कि मैं कर चुका हूं। अब फैसला आपका होगा। मेरा काम आप तक बेहतरीन मालूमात पहुंचाना है और कोई सियासी एडवाइस नहीं है, जिस तरह से मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करता। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कोशिश और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर ये काम भी कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि ये पैगाम मजीद फैल सके। मुझसे राब्ता करने के लिए ट्विटर मौजूद है, जहां मैं आपसे बराह रास्त बात कर सकता हूं। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कोशिश करूंगा उसका जवाब भी दूंगा और मैं आपकी राय का वहां पर मुंतजर रहूंगा। मेरा हैंडल हर वीडियो में मौजूद होता है और जो मौजूद है वही मेरा हैंडल है। बीच में कहीं पर भी डॉट्स या कैपिटल लेटर्स नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।